हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग करूंगी। मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कटिंग। देखिए, जब आप कपड़े को कटिंग करेंगे, कपड़े के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके फिर इस तरह से कटिंग करेंगे। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 13.5 है। हम बैक साइड के लिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 14.5 पे हम एक निशान लगा देंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है और आर्म होल के लिए मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब एक लाइन खींच लेंगे। अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। चेस्ट हमारा 32 है, 32 से डिवाइड 4, तो 8 इंच हमारी फिटिंग का निशान और 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन के रहेगा। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ से 1.5 इंच से 2 पॉइंट हमने कम रखा है। और ये देखिए, ये आर्म होल जितना लिया था उसका आधा में एक निशान लगाएंगे, फिर ये आर्म होल शेप, हम आर्म होल का गोल शेप लगाएंगे। देखिए, आप अगर नया सिलाई सीख रहे हैं तो इस निशान की ज़रूरत है, नहीं तो आप ऐसे गोल शेप दे सकते हैं। अभी हम ये यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई 2 इंच लिया है और ये बैक साइड है, लंबाई मैंने 9.5 इंच लिया है। अभी यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान, 2.5 इंच 3 इंच आप लगा सकते हो। फिर ये हमने इसे गोल शेप दे देंगे। आप चाहें तो कोई भी डिजाइन कपड़े पे बना सकते हैं। अभी कमर पे निशान लगाएंगे। कमर हमारा 28 है, उसका 1/4 हिस्सा 7, 1 इंच हमारे ब्लाउज के बैक में जो प्लीट रहता है उसके लिए और 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। ये 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ ब्लाउज में पीछे एक टक्स रहता है उसको देते। देखिए, ये कमर का आधा जो है उस पर हम एक निशान लगाएंगे और देखिए ये ऊपर को हम 4.5 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था, देखिए इधर साइड 1/2 इंच और इधर साइड हम 1/2 इंच, ये हमारी ब्लाउज का ये टक्स पॉइंट हो गया, तो इसीलिए हम वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। अभी इसको हम कटिंग कर देंगे। देखिए, ये हमने कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हम डाउन करेंगे, इससे हमारी बैक साइड की शेप बहुत अच्छी बनेगी। अभी हम इसी को रख के हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। देखिए, हम इसके ऊपर इसको कोई भी भारी चीज़ रख दिया, ये अभी हिलेगी नहीं। तो अभी हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, हम 1/2 इंच हमारा बैक साइड से फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा इसमें हम एक्स्ट्रा लेते, तो वहाँ पर 1 इंच था, तो यहाँ पर हमने टोटल 1.5 इंच लिया। बाकी जैसे निशान है हम वैसे ही हम लगा देंगे। अभी देखिए, ये हमारे निशान लगने के बाद हम फ्रंट साइड आर्म होल का हम फिर से निशान लगाएंगे। देखिए, आपको इजी होगा तो इसलिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ। देखिए, ये 5.5 पर मैंने निशान लगा दिया आर्म होल का, फिर एक देखिए लाइन मैंने खींच लिया। अभी यहाँ से भी मैंने एक सीधा लाइन खींच लिया। अभी देखिए, यहाँ से हमारा 1/2 इंच, देखिए कहाँ से मैं इसको डाउन कर रही हूँ, कहाँ से मैं आर्म होल का निशान दे रही हूँ। देखिए, 1/2 इंच हमारी ऐसे, हम आर्म होल आगे साइड में हमारी ऐसे निशान रहेगी। देखिए, ये 1/2 इंच हमारी कम रहती है। फिर यहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई, गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखा है और आगे वाले गले के लिए मैंने यहाँ पे नीचे 2.5 इंच रखा, तो इसको मैंने गोल शेप ऐसे दे दिया। अभी हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट के लिए मैंने ये हुक पट्टी साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाया और दूसरे साइड से 3 इंच पे निशान लगाया। अभी लाइन लगा देते हैं, ये लाइन खींच लिया। और ये हुक पट्टी साइड से कम 2.5 से 3 इंच तक एक निशान हम लगा देंगे और यहाँ से ये हमारी, देखिए ये ऐसे डाउन हो जाएगा, ये हमारी बन गई ये बेल्ट। अभी हम कटोरी का निशान लगाएंगे। ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, तो 32 का 4 भाग में से एक भाग है हमारा 8 इंच, तो ये हमारा चेस्ट का साइज है। 8 इंच को हम 3 हिस्सा करेंगे, तो 3 हिस्सा करने से हमारा 2.6 हो रहा है,
नहीं तो आप ऐसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो इंची टेप को 8 से 3 हिस्सा इसका करेंगे तो 8 हम कहाँ से निशान लगाएंगे, जैसे 2.6 तो यहाँ से हम 8 इंच के पास से हम 2.6 में निशान लगा देंगे। एक हिस्सा इधर रहेगा, बाकी जो दो हिस्सा है उधर रहेगा, कटोरी बनेगा। और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से देखिए ये आर्मोल साइड से 2 इंच और 2 पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए हमारी कटोरी का शेप हमने दे दिया। ये हमारी डबल कटोरी ब्लाउज है। तो देखिए पहले हम इसको माप लेंगे, तो ये 5.5 है, तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा हमेशा बड़ा रखते हैं और नीचे वाला थोड़ा छोटा रखते हैं कटोरी का, तो इसीलिए हमने नीचे ये 2.5 इंच का हमने जो लाइन लगा दिया कटोरी का। अभी इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए हमने इसकी कटिंग कर दिया, अभी हमारे ये कटोरी को हम बड़ा करेंगे। पहले हम कटोरी का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा करेंगे, ये जैसे था मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दिया। देखिए अब क्या करेंगे, हमने हम दो साइड से हम 1 इंच बड़ा करेंगे, यहाँ से 1 इंच और इधर साइड से भी 1 इंच। अब यहाँ पे देखिए लाइन 1 खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा ये गले की साइड से एक साइड से हम ये हुक पट्टी साइड से ये हम 1/2 इंच बड़ा करेंगे और लाइन 1 खींच लेंगे। हम दूसरे साइड से बड़ा नहीं करेंगे, क्यों नहीं तो हमारा गला फिर बड़ा हो जाएगा। देखिए हम ऐसे शेप अच्छे से दे देंगे। अभी यहाँ से हम फिर कटोरी को हम बड़ा करते, देखिए ऐसे डॉट डॉट में हम ऐसे धीरे धीरे करके हम शेप दे देंगे। ये हमारी देखिए ये शेप हमने कटोरी का देखिए दे दिया, इसको हमने बड़ा कर लिया। अब देखिए ये जो लाइन हमारी बनी है इसको हम नापेंगे हमारा कितना आ रहा है। जितना है हम उसको आधा जहाँ पे हमारा मिडिल पॉइंट जहाँ पे एक निशान लगा देंगे और नीचे को हम 1 इंच बढ़ा देंगे। और फिर निशान देखिए ये हमारी देखिए ऐसे क्रॉस में हम निशान लगा देंगे, ये हमारी कटोरी का जो ऊपर पार्ट है ये बन गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। देखिए कटिंग हो गया, अभी हम कटोरी का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कटिंग करेंगे। हमने उसको कटिंग किया था 2.5 इंच पे और वहाँ पे 1 इंच हमने बढ़ाया। और ये जो हमने कटोरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जितना लंबा था ये भी हम उतना ही रखेंगे। देखिए ये 7.5 इंच था तो हमने रख दिया और ये चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखा, क्योंकि वो कटोरी जो हमने दूसरा वाला काटे थे, कटोरी वाला जो हिस्सा सेकंड पार्ट वो 2.5 इंच का काटे थे, यहाँ पे हमने 1 इंच बड़ा कर दिया। फिर देखिए यहाँ से भी इसको ये जो मिडिल पॉइंट है इस पर निशान लगा देंगे और ये हुक पट्टी साइड से 1 इंच डाउन करेंगे और दूसरे साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो फिर ऐसे हम कटोरी का देखिए ये कटोरी का जो सेकंड पार्ट है उसका ऐसे निशान लगा दिया। अब इसको देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी कटोरी का सेकंड पार्ट भी बन गया। अभी देखिए ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमारी सेकंड पार्ट बन गया।